माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। लेकिन गर्मी बहुत लग रही है, गर्मी बहुत पड़ रही है यहाँ भी, और पानी बिल्कुल नहीं गिर रहा है। और अब तो रथ यात्रा आने वाली है एक दो दिन में, और लेकिन पानी बिल्कुल नहीं गिर रहा है। तो गर्मी के मारे सब बेहाल हैं, बहुत परेशान हैं, और गर्मी ने पूरा अपना जोर शोर लगा दिया है। तो अभी मैं, शाम का टाइम है, तो अभी मैं बना रही थी, सब्जी बना रही थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या सब्जी बना रही हूँ, दिखाती हूँ। तो ये देखिए, आज मैं बना रही हूँ पनीर, ये पालक पीस के रखी हूँ, उबाल के पीस के रखी हूँ, और ये पनीर के टुकड़े काट के रखी हूँ, और ये टमाटर है, ये भी मैंने पीस के रखा है, और ये मसाला कढ़ाई में मैंने तेल डाल के मसाला डाल दिया है, और ये इसको तो मसाले में अदरक लहसुन और प्याज है, चार पांच कली लहसुन और एक इंच का अदरक और दो प्याज, तो ये मैं चार लोगों के लिए बना रही हूँ। और ये मैंने पालक का जो उबाली हूँ तो उसका जो उबला हुआ पानी है वो मैंने रख लिया है, इसलिए कि सब्जी में थोड़ा पानी डालना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने उसे इसमें डोंगे में स्टोर करके रख लिया है कि जितना इसमें पड़ेगा तो ठीक है। वैसे भी पालक का पानी बहुत हेल्दी रहता है, बहुत फ़ायदेमंद रहता है, आयरन रहती है बहुत पालक भाजी में, तो मैंने इसे रख लिया है, तो जितना सब्जी में डलेगा डालूँगी और बाकी हम पी जाएंगे। अब ये हमारा लहसुन प्याज वाला मसाला भून गया है, अब इसमें हम डालेंगे सबसे पहले, ये देखिए हल्दी, ये हल्दी, और ये डालेंगे क्योंकि हमने हरी मिर्च डाली है इसलिए लाल मिर्च थोड़ी डालेंगे, हम लोग वैसे भी थोड़ी खाते हैं। और इसके बाद डालेंगे धनिया पाउडर, ये धनिया पाउडर डाल दिया, धनिया पाउडर दो चम्मच डाल दिया, ये गरम मसाला, और ये मीट मसाला ये डाल दिया। अब इसको सबको मिला देंगे ताकि मसाला कच्चा ना रहे, लहसुन प्याज के पेस्ट के साथ ये भी भुंज जाए, तो ये भुंज गया है अब। और अब इसमें हम डालेंगे ये टमाटर, ये देखिए टमाटर की मैंने प्यूरी बना के रखी है, ये टमाटर की प्यूरी डाल दी है, और अब इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छे से, और इसमें थोड़ा नमक डाल देंगे अपने स्वाद के अनुसार, ये देखिए ये है नमक, ये मैंने नमक डाल दिया। अब इसे थोड़ी देर पकने देंगे ताकि ये अच्छे से, टमाटर भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, वैसे तो पीसा हुआ है प्यूरी है तो मिक्स हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा इसे पकने देंगे। ये पक जाएगा, उसके बाद फिर पनीर के टुकड़े डाल देंगे और पिसी हुई पालक डाल देंगे। अब ये देखिए हो गया है मसाला, ये बीच बीच में ये देखिए ये तेल छोड़ रहा है, ये तेल छोड़ रहा है तो पक गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे ये देखिए ये पिसी हुई पालक, और इसको मिक्स कर देंगे। ये मसाले में अच्छे से मिक्स हो गई है, अब ये पनीर के पीस काट के मैंने रखे हुए थे तो अब ये डाल रही हूँ इसमें, देखिए लाजवाब टेस्टी, कितनी सुंदर दिख रही है सब्जी। अब इसे थोड़ी देर पकने देंगे, और ये मैंने इसे पानी रखा हुआ था वो पानी अब मैं
आवश्यकता के अनुसार ये देखिए ये पालक का पानी इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए अब इसे थोड़ी देर तक पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि पनीर अच्छे से पक जाए और नमक इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए ये हमारी सब्जी बन गई है। ये देखिए मैंने इसमें शिफ्ट कर दी है और अब इसे हम थोड़ी देर के बाद पराठे या रोटी बनाएंगे और उसके साथ खाएंगे। तो मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बस अब आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय।